नमस्कार असीम आरियावर्थ में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है जो आप भी जानते हैं आ, ये कुछ दिन पहले की बात है कि भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में रईसी नाम का एक गांव है जहाँ पे जो पहाड़ है उनमें एक बहुत ही बड़ा लिथियम का भंडार मिला है जो कि लगभग कहा जा रहा है कि साठ लाख टन जो है वहाँ पे लिथियम का भंडार मौजूद होने की आ, ये सॉरी घोषणा की गई है तो इस पर क्या ये कितना ग्राउंड ब्रेकिंग है क्या ये गेम चेंजर है भारत के लिए जैसे कहा जा रहा है तो हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहुत जरूरी है लाइक like करना शेयर करना ताकि जो मैं और ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकूं तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट इन टू दिस एंड विल सी हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया तो यहाँ पे है सबसे पहले बात है कि लिथियम क्यों ज़रूरी है तो आज के युग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आ, हम अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते जा रहे हैं तो हम अब अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमारे चारों ओर सिटी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज़ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हो हम उनसे घिरे हुए हैं तो इसलिए भी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है तो फ्यूचर में भी अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जो कि फार मोर पीपल विल बी यूजिंग क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है और अब तो दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बन चुका है तो इस वजह से भी आ, एनर्जी के लिए सिक्योरिटी जरूरी है और चूँकि हम अब इन्वामेंट को लेके पर्यावरण को लेकर ज़्यादा जाग जागरूक होते जा रहे हैं तो इस वजह से भी क्लीन एनर्जी को लेकर यानी ग्रीन एनर्जी को लेकर भी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही इंफेसिस दिया जा रहा है तो जो ग्रीन एनर्जी है उसमें आपका सूर्य सौर ऊर्जा है या फिर जो वायु ऊर्जा है उसके संदर्भ में बहुत काम चले हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत में लगाए जा चुके भी हैं और लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से अब हम जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये बात दिखाई गई है उनके वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो ये स्टैट मौजूद हैं कि थर्टी परसेंट से ऊपर जो अब प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो अब रेनबल रिसोर्सेज से हो रहा है पहले जैसे कोल से होता था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है अब ये मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ तो आगे जो बात है कि लिथियम इसमें क्या रोल अपनाता है या क्या उसकी आ, उसका योगदान होगा इसमें तो सबसे पहली बात है कि लिथियम किस चीज़ में यूज किया जाता है हम पहले वो देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आ, जो यूजेज हैं लिथियम के वो है फोटीन मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ लिथियम बैटरीज तो लिथियम का यूज़ किया जाता है बैटरीज बनाने में और उसमें दो तरह के बैटरीज होते हैं एक जो आ, वन टाइम यूज होता है बैटरी ख़त्म तो आप फेंक दे या उसको रिसाइकिल करने के लिए भेज दे दूसरा होता है रिचार्जेबल बैटरी जो लिथियम आयन का यूज किया जाता है उसमें तो उसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं तो पेस मेकर में जो कि किसी को हार्ट की का कंडीशन है तो उसमें पेस मेकर का यूज होता है डिजिटल कैमराज अब तो पहले बैटरीज लगाई जाती थी अब उसको रिचार्ज करके जो डिजिटल कैमराज हैं वो आप कैरी कर सकते हैं जैसे स्मार्टफोन्स जो होते हैं या लैपटॉप होते हैं डिजिटल uh, असिस्टेंस जैसे uh, टैबलेट हुए उन सब को लेके आप uh, उसमें भी लिथियम की बैटरी का यूज होता है उसके बाद जो, जो स्मार्ट वॉच अब लोग पहनना शुरू कर दिया उन्होंने तो उसमें भी लिथियम आयन का बैटरी यूज होता है पोर्टेबल पावर पैक्स जब आपकी बैटरी मतलब जो फ़ोन है या फिर uh, स्मार्ट वॉचज हैं या फिर इवन अगर मैं uh, लैपटॉप टैबलेट भी है तो उसमें अगर बैटरी कम हो तो ये आप एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज की फैसिलिटी है जो कि आपके नॉर्मल डिवाइसेस में नहीं होती है उतनी ज़्यादा बैटरी फिर पर्सनल मोबिलिटी तो जैसे व्हील चेयर हुआ या फिर एक जो सेगवे टाइप का कुछ पर्सनल चलाने के लिए हो या इवन इवन वाई, वाई, वाई हैं उनके लिए भी साथ में सोलर एनर्जी स्टोरेज तो सोलर या विंड जो एनर्जीज होती हैं वो आ, मतलब आ, एनर्जी स्टोर करने के लिए उनको बैटरी की आवश्यकता होती है और इसलिए लिथियम आयन बैटरी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इफ़िशेंट वही होते हैं उसके बाद अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई और इमरजेंसी पावर बैकअप तो इसको इन्वर्टर आप जानते ही होंगे इन्वर्टर में जो बैटरीज होते हैं वो भी अब लिथियम पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है फिर सर्वेलेंस एंड अलार्म सिस्टम तो सर्वेलेंस अलार्म सिस्टम को ट्वेंटी फोर सेवन एक्टिव होना रहता है तो इसलिए भी उसमें अगर पावर बैकअप आपके पास नहीं होगा तो वो अलार्म ऑफ हो जाएगा इसीलिए वहाँ पर भी अब लिथियम बैटरी का यूज होता है उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोबिलिटी स्कूटर तो दुनिया जैसे जैसे अब ये गोल्फ़ एंड गोल्फ कार्स एंड ट्रॉलीज़ मरीन व्हीकल्स लीजर एक्टिविटी मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब ब, बड़े और जो यूजेज़ हैं लिथियम बैटरीज़ के वो यहाँ पे लिखे गए हैं तो मेन जो बात है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 30 परसेंट हो जाएगी और यह करने की बात चल रही है और जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी है खासकर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में उस पर कम से कम आ, मतलब चाहे वो आप हाइड्रोजन को ले ले हाइड्रोजन को भी देखा जा रहा है फिर इथनॉल मिक्सिंग करके तो इंपोर्ट जो किया जा रहा है फ्यूल वो कम से कम हो सॉरी <coughs> तो ये भी बात की जा रही है और इस वजह से भी कार्स और जो स्कूटर्स या बाइक्स या और भी जो ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूचर में कुछ जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहे बसेज हो या फिर ट्रक्स हो जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं उनमें भी लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ किया जाएगा तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लिथियम के जो भंडार है उस पर फोकस करें और इसीलिए जो न्यूज है वो गेम चेंजर है अब साथ में ये बात है कि जो लीथियम ही क्यों और और भी धातु क्यों नहीं तो लीथियम के साथ बात यह है कि सबसे पहली बात लीथियम सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में तो सबसे पहला धातु है सबसे पहला मेटल है और इसके कारण ये सबसे हल्का धातु है तो जो हल्का होना बहुत ही ज़्यादा एक महत्व रखता है क्योंकि आपकी जो बैटरीज हैं वो ज़्यादा भारी होगी तो मोबिलिटी नहीं कर पाएंगे चाहे वो आप पावर बैंक अगर ज़्यादा भारी हो तो आप जेब में ले नहीं चल सकते और कार में अगर ज़्यादा भारी बैटरीज लगाई गई तो उनका एफिशिएंसी होगा उनका जो रेंज होगा वो कम हो जाएगा जो माइलेज जिसको कहा जाता है इन ट्रेडिशनल टर्म तो वो कम हो जाएगा तो इसलिए लिथियम जो है वो सबसे हल्का दूसरा जो इसमें इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल है आयन की जो बात की जाती है तो वो सबसे ज्यादा होता है इसमें तो उसके बाद आ, साथ में जो एनर्जी डेंसिटी भी है वो लिथियम में सबसे ज्यादा होता है ट्रेडिशनली पहले जो हम यूज करते थे बैटरीज में वो निकल निकेल की बैटरीज आती थी या कैडमियम की बैटरीज आती थी लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांस एडवांसमेंट हुई साथ में बहुत जगह लिथियम के रिजर्व्स निकलने लगे तो अब हम लिथियम के तरफ मूव कर रहे हैं तो इसलिए भी लिथियम की बात की जा रही है अब मैं आपके सामने ये रखूँगा एक रिज़र्व को लेके कि विश्व में कहाँ कहाँ रिजर्व हैं और किस तरह प्रोडक्शन हो रहा है तो ये फॉक्स वैगन का एक वेबसाइट है अब यहाँ पे ये 2020 का है तो इसलिए अपडेटेड नहीं है तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया चिली चाइना अर्जेंटीना जिम्बावे पोर्तगल ब्राज़ील नामीबिया, यू तो दो का ये है यू यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे 2019 का ये बताया गया जिसमें यह बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में ये थाउजेंड टन है जो कि गलत है रिजर्व मिलियन टन के उस पर है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा चिली में रिज़र्व है जो कि एट मिलियन टन है और ऑस्ट्रेलिया में दो मिलियन टन है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है यहाँ पे थाउजेंड होगा क्योंकि ये फिफ्टी वन थाउजेंड होगा तो ये सही है ये गलत है और ये यहाँ पे बात साबित होती है क्योंकि यहाँ पे एट मिलियन टन्स लिखा गया चिली के लिए जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व प्रूवन था उस समय दो की बात की जा रही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है फर्स्ट वर्ल्ड में आता है और डेवलप्ड नेशन है तो इसीलिए अभी भी ऑस्ट्रेलिया में जो माइनिंग है वो ज़्यादा इजी तरीके से होती है अब यहाँ पे फिर और जो देश हैं जिसमें चाइना है जिस चाइना में भी प्रोडक्शन अच्छा है अर्जेंटीना जिम्बावे पुर्तगाल ब्राज़ील नामीबिया, यूएसए इन सबों में प्रूवन रिजर्व पाए गए हैं अब इस चार्ट में देखें तो लिथियम आयन बैटरी का जो चेन है फ्रॉम माइनिंग टू द यूजेज इन प्रोडक्ट वो कैसे होता तो माइनिंग की जाती है फिर रिफाइनिंग की जाती है कैथोल प्रोडक्शन है जो बैटरी के लिए जो अंदर यूज होगा उसके लिए फिर सेल प्रोडक्ट प्रोडक्शन यूज किया जाता है सेल जो होता है उसको मिला के ही बैटरी बनाई जाती है तो इसीलिए मॉड्यूल असेंबली बैटरीज़ को ही कहा जाता है उसके बाद ओ जो है ओ मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे कार्ड दिया गया क्योंकि ये वर्कस वगैरह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है चाहे वो मोबाइल हो चाहे सिंपल बैटरी ही हो चाहे लैपटॉप या आ, कार बसेस ट्रक्स जो भी है मेडिकल जो भी सामान है उनके लिए Uh, यहाँ पे क्लासिकल प्रोक्योरमेंट फोकस ये वोक्स वैगन का है जिसमें चाइना से और यूरोप में कुछ देश जहाँ पे uh, ये किया प्रोडक्शन हो या रिजर्व हो वहाँ से लिया जाता है तो वोक्स वैगन जर्मनी बेस्ड कंट्री है और उनका चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट है बैटरीज़ को लेके तो इसीलिए वो यहाँ से इम्पोर्ट करती हैं न्यू फोकस में जो है वो और जो नए नए देश हैं जहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं और उनका प्रोडक्शन हाई है वहाँ से वो लेंगे तो ये वॉक्स का है अब ये लिथियम जो भारत में मिला है वो कहाँ मिला है तो ये रईस रईसी नाम की एक जगह है सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं यस फिफ्टी परसेंट ओ सॉरी ये नहीं है कहाँ गया मैं लिथियम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन गवर्नमेंट यह यहाँ पे दिया गया जम्मू कश्मीर में है रईसी डिस्ट्रिक्ट तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी के द्वारा कहा गया है फिफ्टी नाइन फाइव पॉइंट नाइन मिलियन यानी उनसठ लाख होगा यानी साठ लाख के लगभग रिज़र्व है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का रिज़र्व है तो ये भी बात ज़रूरी है देख आ, तो ये हमारे जो फ्यूचर का ट्रांजिशन होगा उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा इस रिजर्व का तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हम अब हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए खासकर बैटरीज़ को लेकर जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं या और कई देशों से अगर हम घर घर में ही बैटरीज बनाते भारत में ही बैटरीज बनाते तो उसके लिए भी लिथियम हम बाहर से लेते हैं तो लिथियम के लिए फिर हमारी डिपेंडेंसी देशों और देशों में हो जाती है तो वो सिलसिला वैसा ही हो जाएगा जैसे कि हम इम्पोर्ट करते हैं जो भी तेल है गैस है गैस है आ, डीजल पेट्रोल जो भी है वो बाहर से इम्पोर्ट करते पहले अरब देशों से उसके बाद अमेरिका से भी इम्पोर्ट किया है उसके बाद अब रशिया से इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट बिल जाता है फॉरेक्स रिज़र्व से बहुत पैसे वहाँ जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत सा, होगी कि अब घर में ही हमारे पास एक रिज़र्व मौजूद है उसके बाद यहाँ पे यह भी देख लीजिए करेंट डेटा है तो फिफ्टी पर फिफ्टी परसेंट ऑफ डिपॉजिट आर कंसंट्रेटेड इन थ्री साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ये करेंट डेटा के हिसाब से प्रूवन जो रिज़र्व मिले हैं उनके हिसाब से दिया गया है तो ये तीनों देश जो हैं अर्जेंटीना बोलीविया और चिली इन तीनों देशों में रिजर्व पाए गए हैं और इतने बड़े रिजर्व हैं कि ये फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड रिज़र्व में इनका रिज़र्व सबसे बड़ा है तो आ, ये बॉर्डर एरियाज हैं इसलिए तीनों का जो माइन है वो एक तरह से कॉमन ही है तीनों जो शेयर्ड बॉर्डर है ट्राई स्टेट बॉर्डर अगर जिसको कहें तो वहाँ पे ये माइंस मौजूद हैं और इसीलिए 5.9 जो भारत के लिए है वो बहुत बड़ा एक हमारे देश के लिए ही अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना भी करें तो सेल्फ डिपेंडेंसी रहेगी इंडिपेंडेंट रहेंगे हम दूसरे देशों से आ, आ, लिथियम मंगाए बिना या इंपोर्ट किए बिना अब जो लिथियम के कुछ अल्टरनेटिव्स हैं मतलब पहले जैसे मैंने बताया कि पहले निकेल से बनते थे या कैडमियम से बनाए जाते थे बैटरी उसी तरह अब दूसरे अभी अल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं जो लिथियम पे डिपेंडेंट ना हो क्योंकि लिथियम बहुत कम देशों में ही पाया जाता है साथ में और भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी बहुत हैवी है और रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा तो इसीलिए कॉस्टली होता है इसको माइन करना तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्वस मैग्नीशियम बैटरीज होते हैं मैग्नीशियम को जो पानी में या कोई लिक्विड में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसके बाद सॉलिड स्टेट बैटरीज तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो लिक्विड ही रहते हैं फ्यूल सेल के उसमें आ, लेकिन इसमें जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है आ, उसके बाद सोडियम बेस्ड बैटरीज ये भी देखी जा रही है सोडियम एंटीमोनी टेलोराइड इंटर मेटेलिक एनोड्स इस पर भी काम चल रहा है सोडियम सल्फर बैटरीज़ इस पर भी सी वाटर बैटरीज ग्राफीन बैटरीज इन सबों पर काम किया किया जा रहा है मैग्नीज हाइड्रोजन बैटरीज इन सब काम किया जा रहा है लेकिन बात है कि जो अगर लिथियम कॉस्टली भी हो लेकिन प्रैक्टिकल और इफ़िशेंसी इसकी अभी सबसे ज़्यादा है और जो भी अल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं वो रिसर्च में ही है अंडर डेवलपमेंट है और उसमें अभी अ, मतलब कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता है कि उसका यूज हम मास प्रोडक्शन या कमर्सली कर सकते हैं तो इसीलिए भी लिथियम पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है भारत में भी अल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं फेरस पे भी काम चल रहा है जो आयरन है उनसे बैटरी बनाने की कोशिश की जा रही है सोडियम पे मैंने सुना था बैटरी बनाने की कोशिश की जा रही तो भारत में ये काम चल रहा है लेकिन साथ में लिथियम मिल जाने से अब एक बूंद हो गया है एक बोनस हमारे हमारे देश के लिए मिल रहा है एक और जो है लिथियम के साथ एडवांटेज है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो अमेरिकन सरकार की एक वेबसाइट है एक डिपार्टमेंट है उनमें यह कहा जा रहा है ये, ये देखिए लिथियम का जो रिसाइकलिंग है वो कैसे होता है तो पहले माइनिंग से रॉ मटेरियल्स आते हैं जो सप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग जो बैटरीज बनती है उसको डिवाइसेज में यूज किया जाता है जो सेल होते हैं फिर उसका यूज करके जो रिटेल यूजर्स होते हैं वो फिर आ, एक रिसाइकलिंग के लिए भेज दी जाती है रीयूज रिफरविश मतलब अगर आपका डिवाइस का बैटरी ख़त्म हो गया जो कि लिथियम आयन बैटरी है आप उसको रिप्लेस करके फिर उसको फिर से सेल कर सकते हैं फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं तो फिर से रिसाइकिल होकर जो लिथियम पार्ट है उसको फिर से सप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर से भेजा जा सकता है तो लिथियम एक तरह से अलूमिनियम का जैसे रिसाइकलिंग होता है वैसे लिथियम या ग्लास का जो रिसाइकलिंग होता है वैसे लिथियम का रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिथियम का रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टेक्निकली एडवांस भी है और साथ में कॉम्प्लेक्स तो है ही और आ, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए जो कि अलमिनियम या आ, 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 ग्लास के लिए नहीं होता है तो वो भी एक बात है तो कुछ ही देश हैं जो इसको स्केलअप कर सकते हैं लिथियम को सफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जिसमें भारत है क्योंकि हमारा जो डेवलपिंग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी एडवांसमेंट दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है और एक पूरा आ, जो ग्रुप है मतलब हाई स्किल्ड लेवर का वो अमेरिका से भी ट्रेंड हो के आया है यूरोप से भी ट्रेंड हो के आया और भारत में भी ट्रेंड है तो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ्स भी बहुत इफ़िशेंटली मौजूद हैं इफ़ेक्टिवली यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं उसके साथ भी स्केलअप भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसके कारण लेबर जो है वो चीप है तो जैसे चाइना में ये एडवांसमेंट एडवा एडवांटेज था चाइना को वैसे ही भारत को भी अब ये एडवांटेज मिल जाएगा हमारी अभी भी डिपेंडेंसी बैटरी को लेकर चाइना पे है तो वो भी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि टेंशन अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे अभी भी बहुत हद तक बरकरार है और चाइना को हम हंड्रेड डॉलर हंड्रेड बिलियन डॉलर दे दे रहे हैं हर साल इम्पोर्ट के मामले में क्योंकि रॉ मटेरियल्स और ये सारे चाइना से ही अभी भी आ रहे हैं तो उसमें भी बहुत आ, इंडिपेंडेंसी हमें मिल जाएगी चाइना से तो इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है गेम चेंजर है ये और यही बात कुछ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज है और आजकल पॉजिटिव न्यूज़ देखने को उतने मिलते नहीं क्योंकि न्यूज़ पे हमेशा सेंसेशनलिज्म या फाइट या कुछ बहस दिखाई जाती है जो कि प्रोडक्टिव नहीं होते हैं मैंने न्यूज़ देखना नहीं छोड़ दिया क्योंकि आ, वैसा कुछ मुझे देखने को या समझने को या सीखने को नहीं मिलता था क्योंकि एक दूसरे पे लोग यही बात कर रहे हैं ग्रैंड स्टैंडिंग हो रही है कोई टॉपिक नहीं कोई पॉइंट नहीं एक लोग एक दूसरे को इंसल्ट करना और यही चीज़ें न्यूज़ पे देखने को मिलती है तो इसी आ, मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की आपके सामने न्यूज़ लाऊँ जिस पे आपको अच्छे से पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और आपको भी अच्छा लगे कि अरे अच्छी चीज़ें हो रही है भारत में भी तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखा आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें साथ में ट्विटर पे भी जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें लाइक करें भी जिससे वीडियो जो है वो यूट्यूब के अलगोरिदम में आगे सामने आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो अभी के लिए इतनी अगली बार फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद